दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन से प्लान के, जैसे अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसका साइज है 17x36, 17x36 फुट में बना है। हमारे एक पेड यूजर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया है। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनका जैसा प्लॉट का साइज था, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा मॉडल बना हुआ है। तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका पूरा मॉडल मैं दिखाऊंगा, कहाँ पर क्या बना हुआ है। इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो वो आपको बेहतरीन से मिलती है, और थ्री साइड वो क्लोज्ड मकान है। फ्रंट एलिवेशन आप देख पा रहे हो, बेहतरीन सा कलर कॉम्बिनेशन और आपका बेहतरीन सा डिजाइन देखने को मिलता है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर। तो ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले ये डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और स्टेयर्स है जैसे आप अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक गैलरी मिलती है, क्योंकि टोटल ये 17 फीट है, तो आपको एक गैलरी मिलती है। इसका ये आपको एक गेस्ट रूम मिल जाता है, और जैसे आप आगे जाते हैं तो ये आपकी स्टेयर्स है जहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर इधर की तरफ मुड़ जाता है। इसका ये आपका आंगन मिलता है जहाँ पर सारी चीजें दिख रही हैं, ये आपका किचन एरिया देखने को मिल जाता है। वहीं सबसे पीछे एक और आपको बेडरूम मिल जाता है ये, और अगर इस वाली एरिया में जाएं तो यहाँ पर भी आपको एक बेडरूम मिलता है, और यहाँ पर अटैच्ड लेटर्न बाथ बड़ा सा मैंने दिया है। आप देख पा रहे होंगे ये लेटर्न बाथ का यहाँ पर एरिया है जो डोर दिया है। कुल मिलाकर 3 बेडरूम, लेटर्न बाथ, किचन, आंगन, गैलरी और साथ साथ स्टेयर्स देखने को इस मकान में आपको मिल जाती है, जो कि 17x36 फिट का बना हुआ है। ये टोटल यहाँ पर बात करें, ये आपका 36 फिट है, ये आपका यहाँ पर 17 फिट है। और वहीं बात करें इधर, ये एरिया थोड़ा सा इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी जैसी रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग ये मकान डिजाइन किया गया है। अगर आपके यहाँ पर एरिया बढ़ा नहीं, केवल 17 फिट है, तो आप ये इस वाली वॉल को आगे बढ़ा दीजिएगा, और बस ये आपका बेडरूम वगैरह खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका लेटर्न बाथ पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये लेटेंट बात बन जाएगा। नहीं तो आपका अगर ऐसा ही एरिया, तो आप ऐसा भी कवर कर सकते हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो सारी चीजें वही है, मैंने कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, वही फर्स्ट फ्लोर जैसा कि ग्राउंड फ्लोर तो वैसा ही बना। सिर्फ आगे का आपका बालकनी का एरिया बढ़ जाता है। ये देखिए बालकनी जो मैंने क्रिएट की है, ये लगभग 2.5 फीट की बालकनी है, जिसमें ग्रिल का इस्तेमाल मैंने किया। इधर भी ये डिजाइनिंग के पर्पज से चीजें हैं, और ये भी इसमें विंडो वगैरह सब कुछ वही है सिमिलर, सिर्फ आपका बालकनी चेंज हो जाता है। वही लास्ट फ्लोर की बात करें तो 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल, और ये आपका डिजाइनिंग, क्योंकि यहाँ पर डिजाइनिंग क्रिएट करना था इसलिए वॉल को मैंने बड़ा किया है। ये टॉप व्यू आप देख सकते हैं, फ्रंट का आप ऐसा देख सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से आप डिजाइन, ये पूरा ओवरऑल 17x36 फुट में बना है। तो हमारे पेड यूजर थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा मकान आप बनाकर दीजिए। तो आप भी अगर मकान बनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट करें। लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी, आपको वहां पर कुछ पे करना होगा, इसके बाद ही आपका मकान का मैं 2D+3D डिजाइन देता हूँ। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा, हमें अपना ओपिनियन जरूर दें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, आप हमें WhatsApp पर कांटेक्ट करें। आप किसी भी कमेंट सेक्शन में जाकर कोई नंबर वहां ड्रॉप कर देता है, आप वहां कांटेक्ट ना करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां WhatsApp नंबर हमारा दिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं कि आपसे पैसा ले लेंगे फिर आपका मकान डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो फ्रॉड पर्सन होते हैं। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में ही नंबर हमारा नोट कर निकालें, व्हाट्सएप नंबर कॉल नहीं लगेगा, आप कॉन्टेक्ट करें, फिर मैं आपसे बात करके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रेडिट